हाय दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं बिंदर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। आज फिर मैं आपके साथ एक नई वीडियो लेकर जुड़ा हूँ, कुछ ना कुछ उससे आपको सीखने को मिलेगा। तो आज हम बात कर रहे हैं कि आप यूट्यूब चैनल को किस तरीके से मैनेज कर सकते हो और मैनेजमेंट कर सकते हो उसको। तो मैनेज करना जरूरी है, तो उसके लिए आप यूट्यूब स्टूडियो का एप्लीकेशन का इस्तेमाल करोगे। तो उसका अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप यूट्यूब को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ से नहीं करते तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल देते हैं, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे किस तरीके से आप उसको पूरे को कवर कर सकते हो, एक ही जगह पूरे को देख सकते हो, किस तरीके से उसको किया जाता है, मैनेजमेंट किया जाता है, किस तरीके से वीडियो व्यूअर्स और एनालिटिक्स कॉमेंट्स वीडियोज और सभी कुछ आप उसमें देख सकते हो, उसका पूरा डैशबोर्ड। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम फ़ोन की स्क्रीन पे आ गए हैं। तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद में आपको लिखना पड़ेगा यूट्यूब स्टूडियो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो आप इसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद में आप उस पेज पे आ जाएं जहाँ पे यूट्यूब स्टूडियो, ठीक है। तो यहाँ पे आप आ जाएंगे तो इस सबसे जो फर्स्ट होता है, यहाँ पे जो फर्स्ट है यहाँ पे डैशबोर्ड है, यहाँ पे जो मेन होता है डैशबोर्ड, डैशबोर्ड पे यहाँ पे आप सबसे फ्रंट में एनालिस्टिक देख सकते हो कि कितने टाइम इसका वॉच हुआ है, व्यूवर्स कितने हैं, सब्सक्राइब कितने हैं। उसके बाद व्यू मोर पे करके आप नीचे की जो इंफॉर्मेशन, वो जैसे रियल टाइम व्यूज है, 48 घंटे होने चाहिए, ठीक है, ये ज़रूरी है इसमें। उसके बाद लास्ट अब पब्लिश वीडियो होती है जो, वो देख सकते हैं आप, वॉच टाइम देख सकते हैं कितने मिनट हुआ है, और लास्ट जो 28 दिन में कितना व्यूज हुआ वो देख सकते हैं आप। यहाँ पे एवरेज व्यू डायरेक्शन देख सकते हैं, सब्सक्राइब्स देख सकते हैं, उसके बाद वॉच टाइम फॉर सब्सक्राइब्स वो भी देख सकते हैं, यहाँ पे लाइक वे डिसलाइक उनको भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपकी टॉप वीडियो रैंकिंग में है, रैंक कर रही है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो, 5 वीडियो, ठीक है। तो उसके बाद आपका ऑप्शन आता है डिस्कवरी। डिस्कवरी के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद इंफॉर्मेशन क्लिक थॉट रेट, जहाँ इंफॉर्मेशन रेट का मतलब होता है कि यहाँ से कितनों लोगों ने क्लिक किया है, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रैफिक सोर्स, तो जो सोर्स है वो कहाँ से आता है, इंटरनल से आता है, यूट्यूब सर्च से आता है, या चैनल के पेज से आता है, नोटिफिकेशन से आता है, या अदर कोई ब्राउज़र है या कोई साइट है वहाँ से आता है, ठीक है। तो टॉप एक्सटर्नल सोर्स जो टॉप में आता है, जैसे फेसबुक, फेसबुक से हमारा आता है 40%, व्हाट्सएप से आता है 30%, और एंड्रॉयड सेटिंग से आता है 6.0%, और फेसबुक मैसेंजर से, गूगल से। तो इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप सर्च आइटम्स टर्म्स सॉरी, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, तो ये यहाँ पे भी आपको दिख जाएंगे जो सर्च किए गए हुए हैं टॉप, वो 5 वीडियो हैं, जैसे कि वहाँ टॉप 5 टॉप वीडियो दिख रही, तो यहाँ पे भी आप टॉप वीडियो सजेशन योर कॉन्टेक्ट्स, यहाँ पे सजेशन देख सकते हैं आप वीडियो में। उसके बाद आता है ऑडियंस, जेंडर मतलब मेल और फीमेल, मेलों ने भी 50% देखा और फीमेल ने भी 50 और मेल ने भी 50। यहाँ पे एज देख सकते हो, यहाँ पे कोई एज नहीं है, सभी लोगों ने देखा जितने एज के थे, ठीक है। यहाँ पे टॉप कंट्री, जिस कंट्री से वो अवेलेबल थे उन कंट्री को भी यहाँ पे आप चूज कर सकते हो, यहाँ पे दिख जाएगा आपको, ठीक है। जबकि मेरे से नहीं जुड़े हुए अलग कंट्री के, तो यहाँ पे नहीं हो रहा शो, ठीक है। तो उसके बाद आता है इंटरेक्टिव कॉन्टेक्ट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस ऑप्शन को भी चूज कर सकते हो। उसके बाद प्लेलिस्ट, यहाँ पे कितना टॉप में चल रहा है उसको चेक कर सकते हो। फिर हम चलते हैं एनालिस्टिक, आपने देख लिया, कमेंट ऑप्शन पे चलते हैं। कमेंट में आप जाकर यहाँ पे अपने कमेंट चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप जाकर देखिए, आप इसका रिप्लाई कर सकते हो, लाइक टू भी स्पैम कर सकते हो, पब्लिश कर सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे होता है। उसके बाद आता है यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन होता है, यहाँ से आप जाके अकाउंट्स चेंज कर सकते हो, जिस अकाउंट्स में, जैसे कि हमने यहाँ पे 2 अकाउंट लगा रखे हैं, ठीक है, तो आप एक अकाउंट चूज कर सकते हो कोई भी अपने हिसाब से, ओके।
उसके बाद आता है यहाँ पे एक, जहाँ पे यह लिखा हुआ है यहाँ पे नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन सेटिंग को आप चालू कर सकते हो, बंद कर सकते हो, यहाँ से क्लियर कर सकते हो अपनी जो आपने कमेंट हैं जो आप डिलीट कर सकते हो। यहाँ पे जितने भी लिखे हुए हैं यहाँ पे सेटिंग्स हैं, इनको चालू ऑफ कर सकते हो, यहाँ पे कमेंट दिए हुए इनको चालू कर सकते हो। उसके बाद में आप यहाँ से पीछे जाते हैं तो डैशबोर्ड पे, उसके बाद वीडियो आता है, ये वीडियो का ऑप्शन है यहाँ पे, तो वीडियो पे जाके आप कोई भी वीडियो है, जैसे मान लीजिए ये ऊपर है सबसे मेन वीडियो है, ठीक है, फर्स्ट वीडियो, यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि इसमें 11 व्यूवर्स हो चुके हैं, एक सब्सक्राइब हो चुका है, सॉरी 11 11 व्यूवर्स हैं और एक लाइक है। उसके बाद आप यहाँ पे साइड व्यू, यहाँ से आप शेयर के बटन से आप किसी को भी, ये आपके देखिए शेयर आ चुका है यहाँ पे, इस जो इसका लिंक कॉपी कर सकते हैं, क्लिप बोर्ड कॉपी टू, तो यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं इसको, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, आप जहाँ शेयर करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है, ये देखिए एक पेंसिल का निशान है, यहाँ पे ओके करेंगे तो यहाँ पे एक एडवांस सेटिंग है, तो यहाँ से आप जाके इस नीचे की तरफ यहाँ पे कमेंट हैं, कमेंट अलाउ कमेंट, इनको बंद कर सकते हैं, यूजर्स कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अलाउ अटेंडेंस, अटेंडेंस इसको कर सकते हो, यहाँ से डिलीट फ्रॉम यूट्यूब, ये वीडियो हमेशा के लिए यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद आप वही बेसिक इन्फॉर्मेशन आने के बाद में यहाँ पे एडिट थंबनेल पे ओके करेंगे, यहाँ पे ओके करने के बाद में ये दो थंबनेल का डाउनलोड यहाँ पे ऑप्शन पे डाउनलोड करेंगे, तो ये थंबनेल डाउनलोड हो गया, देखिए यहाँ पे चेंज पे ओके करेंगे तो चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे अब इस वीडियो में से कोई अगर आप थंबनेल बनाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ से ये भी कर सकते हैं। उसके बाद हम थोड़ा पीछे चलते हैं, यहाँ पे आप नीचे की तरफ सभी देख सकते हैं वीडियोज, और वीडियो में जाके आप सभी अपनी वीडियो टोटल जितनी भी आपने यूट्यूब पे की हुई है मोस्ट रिसेंट वाली, वो सभी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी जितनी भी आपने अपने यूट्यूब पे डाली हुई है, ठीक है। उसके बाद आता है प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट में जाके आप जो आपने प्लेलिस्ट बनाए होते हैं अलग अलग, जैसे हमने यहाँ पे बनाए हुए हैं बैंक अकाउंट ओपन ऑल, उसके बाद बैंक अकाउंट ओपन ऑल वाला एक ये नीचे सेक्शन दिख रहा है, उसका सेशन सोशल नेटवर्किंग एंड साइट्स और शब्द गुरबानी, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से इस तरीके से आप कर सकते हैं, और ये इससे ज़्यादा कोई वो ज़्यादा बड़ी वो बात नहीं है, इससे कोई सेटिंग ओवर हो नहीं, यहाँ पे आप जाके अपने कमेंट चेक सकते हो, मंथ का भी कर सकते हो और अदरवाइज और भी कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छी होगी, फिर हम मिलते हैं एक अपनी वीडियो नई के साथ, आपके साथ जुड़ेंगे अगले दिन नेक्स्ट डे, और वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, सपोर्ट करें, धन्यवाद। हाय दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो।